तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला। मैं 1931 की फ्रैंकेनस्टाइन देख रहा था। ये मूवी मैरी शेली के बुक पे आधारित है सेम नाम से। और मैं इस पिक्चर को देखने के बाद सोचने लगा कि इस मूवी में विलन कौन है, क्योंकि बात उतनी भी सिंपल नजर नहीं आ रही जितनी दिख रही है, क्योंकि यह एक सोलफुल मॉन्स्टर है। और ध्यान देना, फ्रैंकेनस्टाइन यह नहीं है, यह है डॉक्टर हेनरी फ्रैंकेनस्टाइन। इसी शख्स ने इस नेमलेस मॉन्स्टर को बनाया। अब मतलब कि अगर कोई चीज विलेनियस दिख रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो विलेनियस है ही। पिक्चर अपनी काफी सारे परते खोलती है कि डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन विलेन है, कि ये मॉन्स्टर विलेन है, या सोसाइटी विलेन है जो उसे एज अ मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करती है, या फिर वो डिटेक्टिव विलेन है जो उसे अपने पर्सनल एजेंडी की वजह से मारना चाहता है। खैर, यहीं से मेरी इंस्पिरेशन की आग भड़की, तो आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। मूवीज में विलन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही सब तो होते हैं जो टोटली डिफाइन करते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मगर अच्छे और बुरे को डिफाइन करना पूरी तरीके से फिल्म मेकर पे डिपेंड करता है कि वो किसकी जर्नी किस हिसाब से दिखा रहा है। जस्ट लाइक टर्मिनेटर मूवीज तो आपने देखी ही होंगी, मगर उसे दिखाया ही ऐसे गया है कि हाँ, वो हरामी है। अब देखो, हीरो वर्सेस विलन का अगर हम एक पर्सपेक्टिव छोड़ भी देते हैं तो इसकी जगह कई सारे जॉनर्स की मूवी इसकी जगह ले लेती हैं, जैसे कि हीरो वर्सेस हीरो, हीरो वर्सेस नेचर, हीरो वर्सेस हिमसेल्फ, हीरो वर्सेस मशीन, हीरो वर्सेस सोसाइटी, हीरो वर्सेस फेथ और हीरो वर्सेस द अननोन। मतलब कि अगर हम हीरो वर्सेस विलन की कहानी को भी हम छोड़ देते हैं तो कई सारे जॉनर हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो भी लार्ज स्केल पे। अब ऐसी भी कई सारी मूवीज हैं जिसमें हीरो विलन दोनों तो रहते हैं मगर कभी एक दूसरे से मिले नहीं। अब सोचे होगा कि ये कैसी कहानी हुई, हीरो और विलन इसीलिए ना जाने जाते हैं कि मूवी में एक दूसरे का सामना करेंगे। मगर नहीं, मूवीज हैं जैसे कि 1997 की द फिफ्थ एलिमेंट, 2012 की जीरो डार्क 30, 2015 की मैड मैक्स। ये सारी कुछ ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें हीरो कभी अपने विलन से मिला ही नहीं। उसके भी कई सारे रीजंस हैं। अलग अलग पिक्चर अपने अलग अलग कैरेक्टर्स की जर्नी को दिखाने पर ज्यादा फोकस करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिनेमा। मगर इन सब बातों के अलावा भी कुछ ऐसी मूवीज हैं जिसमें विलन तो है ही नहीं। अब ऐसी क्या जरूरत या परेशानी आ पड़ी कि विलन होता ही नहीं। मतलब कि मूवी में दो पक्ष तो रहते हैं लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। दोनों ही अपनी जगह पे सही और गलत दोनों हैं। जस्ट लाइक बैटमैन और सुपरमैन को ही उठा लो। सरकार चाहती है कि सुपरमैन पे थोड़ा रोकथाम लगे, कहीं भी बवाल चालू ना कर सके, और सुपरमैन ये नहीं चाहता कि वो किसी के इशारों पे नाचे। दोनों ही अपनी जगह पर्सपेक्टिव पे अपने अपने सही हैं, और ऐसा सिविल वॉर में भी हुआ था। एक और अच्छा एग्जांपल निकल के आता है प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी से, जहां हम चाहते हैं कि इंसानियत को नुकसान ना पहुंचे मगर जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब उन्होंने बगावत करना शुरू कर दी तब अपनी छाती पीटना चालू कर देते हैं। अब ऐसे समझो कि तुम्हें पे कोई अलग स्पीशीज सालों से एक्सपेरिमेंट और टॉर्चर कर रही है, और जब तुमने बगावत शुरू कर दी तो बुरा कौन हुआ? अब भाई, अपने अलग उस स्पीशीज ने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के बेनिफिट के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, वो भी अपनी जगह पे सही था। एवोल्यूशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसानियत की कामयाबी पाई जा सकती है। अब इससे पूरी तरीके से यह नहीं डिफाइन होता कि टोटली इंसान बुरा ही है। गलती दोनों तरफ से हुई है, किसी ने पहले कर दी तो किसी ने बाद में। इन सब बातों के अलावा भी कुछ ऐसी पिक्चरें आती हैं जैसे कि हैंकॉक, विलन है ही नहीं, अपने कैरेक्टर की जर्नी, उसके स्ट्रगल्स और परेशानियों को दिखा रही है पिक्चर, कैसे उन सब से वो टैगल करेगा। अब एक और काफी विश्व प्रसिद्ध पिक्चर आती है 2015 की, दी मार्शियन। इसमें विलन कौन है? भाई, नेचर तो अपने हिसाब से काम करेगी जैसे वो हमेशा से काम करती आ रही है, उसके लिए कुछ नया नहीं है, मगर हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। एक थोड़ी सी काफी अच्छी कहावत है, जब गांड में नहीं था गूदा तो काहे को कूदा। अब जब फंसी गए हो तो फक यू मार्स कहने का क्या मतलब है? अब हीरो वर्सेस हिमसेल्फ का भी काफी अच्छा एग्जांपल आता है, जैसे कि उसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव मूवीज भी कहते हैं, जैसे कि 1999 की फाइट क्लब ही ले लो या 2016 की स्प्लिट ले लो। अब इसमें कुछ एनिमल मूवीज भी आती हैं, जैसे कि 2017 की द डॉग्स पर्पस या 2020 की कॉल ऑफ द वाइल्ड। अब देखो, हीरो वर्सेस फेथ की बात करें तो काफी मूवीज आती हैं, जैसे कि 2001 की मैन हू स्लू द गॉड या फिर 2011 वाली इमॉर्टल्स। अब देखो, मूवीज का ये जॉनरा काफी मुश्किल सा है क्योंकि ऐसी मूवीज ज्यादातर हमें ग्रीक ट्रेजेडी में ही देखने को मिलती हैं, या फिर कोई पर्सनल बिलीफ के ऊपर कोई कोर्ट केस ले लो, या फिर इसके अलावा गॉड इज नॉट डेड जैसी मूवीज। हीरो वर्सेस मशीन के ऊपर तो आपने कहानी जान ली, हीरो वर्सेस सोसाइटी के ऊपर भी जान ली, अब हीरो वर्सेस नेचर आता है। अब इसके ऊपर तो आपको पता ही होगा, जो डिजास्टर मूवीज आती हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे रख के बनाई ही जाती हैं, जो हीरो वर्सेस नेचर का हो। अब लास्ट में हीरो वर्सेस अननोन आता है। अब इस जॉनरा की मूवीज हमें ज्यादातर हॉरर में ही ऐसे देखने को मिलती है, जहां कोई अननोन एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल बीइंग आता है और हीरो की लाइफ झंड कर देता है। इसके भी काफी अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे कि 1980 की द शाइनिंग, 2005 की वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, 1996 की द इंडिपेंडेंस डे, 2019 की द प्लेटफॉर्म या 2018 की द बर्ड बॉक्स। अब देखो, इन सब बातों का कंक्लूजन लास्ट में यही निकलता है कि विलन्स हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई फिजिकल फॉर्म में ही हो,
ये जो मूवीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी अपनी जगह पे बेस्ट फील कराते हैं फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इससे कहानी और भी ज्यादा कंपेलिंग, होपफुल और इंटरेस्टिंग बन जाती है। हीरो और विलन दोनों का मूवी में रहना हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना रहा है। हम बिना कुछ जाने समझे परखे किसी सीरियस पिक्चर के एक साइड को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। जैसे कि अपनी 2020 की इनविजिबल मैन को ही ले लो, हम जानते हैं कि लड़की बेचारी है लेकिन हमें लड़के के पास्ट के बारे में नहीं पता। अब जिस किसी ने इनविजिबल मैन वाली बुक पढ़ी होगी, जो मैंने अपनी हाई स्कूल में ही पढ़ ली थी, तो आपको पता चल जाएगा कि इनविजिबल मैन था, उसको ऐसी क्या तकलीफ हुई कि उसका नेचर ऐसा चेंज हो गया। एक और अच्छा उदाहरण आता है 2019 की पैरासाइट मूवी। किस पक्ष को आप अच्छा कहेंगे और किसको बुरा? भाई मैं किसी एक साइड को लेकर नहीं चल सकता। अब भाई हाँ, जिंदगी में पैसा हो तो वो काफी अच्छी होती है, ये बात मैं डिनाई नहीं करता, मगर जो इस फैमिली ने किया क्या वो सही था? खैर ये टॉपिक काफी लंबा डिबेट वाला हो जाएगा, मगर मैंने तो अब आपको बता दिया कि क्या कारण होते हैं कि कुछ मूवीज में विलन्स होते ही नहीं या उनकी जरूरत पड़ती ही नहीं। इन सब बातों के अलावा अगर आपके पास कुछ व्यूज हैं विलन्स के रहने या ना रहने के ऊपर, तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि भाई क्रिएटिव बिजनेस में हमेशा नई जानकारी के लिए जगह होती ही है। तो कुछ अच्छा और नया हो तो कमेंट्स करना ना भूलना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PG Explained।